अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है तो हम ऐसी रेमेडीज की तरफ आ गए हैं जो हमें ठंडक दे, दोपहर के वक्त हम लगाएं, बच्चों को भी लगा सकें और ख़ुद को भी लगा सकें। और स्किन और हेयर, ज़्यादातर जितनी गर्मी आती है तो उसमें ज़्यादातर डैमेज हमारी हो जाती है, वो स्किन होती है जो हम ख्याल नहीं रख पाते खाने पीने का, ये तो हम रख लेते हैं। जो स्किन और जो बाल होते हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं हमारे केयर ना करने की वजह से, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो हम इसी पर बात करेंगे, हम ज़्यादा रेमेडीज़ ऐसी शेयर करेंगे जो बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा अच्छी साबित हों, ठंडक भी दें और बड़े भी लगा सकें, तो हम ऐसी रेमेडीज़ आपको बताएंगे। तो हमने क्या किया था, हमने इसमें एक चम्मच डाला था अलसी का बीज और कुछ भिंडी तोरियाँ जो हमारी वैसे बच गई थी, लेफ्ट ओवर से बना सकते हैं, फ्रेश से भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाई थी वैसे भी बना सकते हैं। तो अच्छे से उबाला है इसमें, ये गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना है ऐसे, ये देखिए इतना लेसदार ये है, और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। अभी फ्रिज में रखने के बाद ये कुछ ज़्यादा गाढ़ा हो गया, ठीक है ना, जब इसको आप रख देंगे तो ये ज़्यादा ऐसे टेक्सचर इसका हो जाएगा। तो हम ये बालों पे लगाएंगे, तो बालों पे लगाने के लिए मैंने इसमें मुल्तानी मिट्टी कौन सी लेनी है, ये वाली मुल्तानी मिट्टी जो बिल्कुल आम पंसार के स्टोर से या हम आपको रेगुलर दुकानों से मिल जाती है, तो हम तख्ती वगैरह लगाते हैं, ये लेनी है। तो आप इसमें कुछ अमाउंट ये ले लें, ये बहुत ठंडी होती है ऐसे मौसम के लिए। तो मैं इसमें कुछ पीसेज इसके डाल देती हूँ, ये इतना एक पीस आप इसमें डाल दें, ठीक है। तो इसमें सोख करके थोड़ी देर रखना पड़ेगा क्योंकि ये जज़ब होगी तो मिक्स होगी, अगर ये थोड़ी साफ होती है। तो इसमें हम कुछ इसमें डाल देंगे, ये इतना, इसमें थोड़ा नॉर्मल सा ये पेस्ट बन गया, थोड़ी देर इसको हम रख देंगे, जब ये इसमें बिल्कुल सेट हो जाएगी फिर इसको हम बालों पे लगा के मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, आप इसको रख दें फिलहाल थोड़ी देर के लिए, फिर इसको लगाएंगे और ये बहुत ज़्यादा ठंडक देगी आपको, बच्चों को भी लगा सकते हैं। ज़्यादातर ये बना के आप रख लें शाम के टाइम, सुबह दोपहर के वक्त आप बच्चों को लगा दें, ये बनाना ईजी, आप जब खाना बनाने लगे उबाल के रख लें ऐसा पानी, तो आप वैसे तो ख़राब नहीं होगा, वीक में भी बना के रख ले तो, लेकिन आप फ्रिज में रखना पड़ेगा आपको, बना के रख लें फिर आप दोपहर के वक्त एक बार बच्चों को लगा दें, 15 से 20 मिनट भी लगाएंगे, बहुत ठंडक महसूस होती है, उसके बाद आप नहला दें, एक तो बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, जो बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं वो सेट हो जाएंगे, और जो बालों में दो मुँह हो जाता है, बहुत ज़्यादा रफनेस है, ड्राइनेस है और मसीर सी स्मेल सी आने लगती है। और इसमें इसके बाद शैम्पू करवा दें, इसके अंदर भी डाल सकते हैं लेकिन बेहतर है आप शैम्पू इतनी देर लगा ना रहे, आप इसको लगा लें और सूखने से थोड़ा पहले ही इसको आप उतार दें, तो काफ़ी ज़्यादा 15 मिनट से भी बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होगी और बालों में फ़ायदा जो इसने पचाना को बचा देगी।